जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र में लापता एक युवती को तुमगांव पुलिस ने दंतेवाड़ा जिला के बचेली थाना क्षेत्र से बरामद की है। दरअसल युवती घर से अंडा लेने के लिए निकली थी, जिसे एक अनजान युवक ने बाइक में बिठाकर रायपुर ले गया और उसके साथ अनाचार कर उसे छोड़ दिया, जो किसी तरह दंतेवाड़ा पहुंच गई, जिसे पुलिस की सूचना पर बचेली से बरामद कर लिया गया है। अपराध घटित होने के बाद महीनों तक जहां पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाती, वहीं दूसरी ओर महासमुंद जिले के तुमगांव थाना पुलिस ने एक अपहृत नाबालिग युवती को 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों के कब्जे से छुड़ाकर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। दरअसल मामला महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक 24 अप्रैल को अपहृत नाबालिग युवती घर से अंडा लेने के लिए निकली हुई थी और वापस घर नहीं लौटी। युवती के परिजनों द्वारा आस पास एवं रिश्तेदारों के यहाँ पतासाजी की गई, पर कहीं नहीं मिली, जिससे युवती के परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। तुमगांव पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर धारा 363 के तहत मामला पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी योगेश सोनी के निर्देशन में युवती के पतासाजी में जुट गई। पुलिस की पतासाजी के दौरान जिला दंतेवाड़ा के बचेली थाना क्षेत्र में एक युवती के घूमने की सूचना तुमगांव पुलिस को प्राप्त हुई, जिसके बाद तुमगांव से पुलिस की टीम भेजकर बिजली थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध महिला के कब्जे से अपहृत युवती को बरामद किया गया और मामले की विवेचना शुरू की गई। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि तुमगांव निवासी देवनाथ साहू नामक युवक द्वारा पीड़िता को अपने मोटरसाइकिल में बिठाकर जंगल ले जाया गया और उसके साथ बलात्कार की घटना को भी अंजाम दिया गया और उसे अकेली छोड़कर कहीं चला गया, जिसके बाद युवती किसी तरह से रायपुर पहुंची और वहां बचेली थाना क्षेत्र की पटेलपारा सुकमा की एक महिला के संपर्क में आकर उसके साथ जिला दंतेवाड़ा के बचेली चली गई। संदिग्ध महिला के साथ एक युवती के घूमने की सूचना बचेली पुलिस द्वारा तुमगांव थाना पुलिस को दी गई, जहां तुमगांव पुलिस पहुंचकर संदिग्ध महिला से अपहृत युवती को बरामद किया है। इधर अपहृत युवती से बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात युवक की पतासाजी में भी तुमगांव पुलिस जुटी हुई थी। सूचना पर तुमगांव निवासी देवनाथ साहू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों द्वारा अपराध कबूल किए जाने के बाद दंतेवाड़ा बचेली निवासी पार्वती पोयम गांव निवासी देवनाथ साहू के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के साथ साथ पास्को एक्ट के तहत जुर्म कायम कर दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, SEN 24।